दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ़ हो जाती है कि उनकी पीठ पर, हाथ पर घमौरियाँ निकल जाती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घमौरियों में हमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे दाने आपके शरीर पर जगह बना लेते हैं, जहाँ पर अपना घर बना के जब तक रहते हैं, जब तक गर्मी का मौसम रहता है। जैसे जैसे ठंड बरसात का मौसम आता है, वैसे वैसे गायब हो जाते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए कि धूप और गर्मी से ही घमौरियाँ शरीर पर निकलती हैं। लेकिन घमौरियों को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो भी कुछ दिनों में अपने इस वीडियो में बड़ा खुलासा करेंगे। ऐसी और हेल्थ टिप्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको बताते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। आपको करना सिर्फ इतना है कि नीम की छाल को घिसकर लगाने से घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो नीम की छाल होती है उसको घिसकर लगाने से घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप ये घरेलू उपाय जरूर अपनाएगा जिसके चलते आपकी गर्मी के मौसम में आपके शरीर पर घमौरियाँ ना हो, यानी कि घमौरियाँ अपना घर ना बना सके। आप इसको खजवा के खुजली करके परेशान ना हो, अपना काम में ध्यान लगाएं और साथ ही साथ अपने काम को पूरी शिद्दत से करें, ना कि घमौरे को खजवाने में पूरा दिन निकाल दें। आशा करते हैं कि आप ये घरेलू उपाय ज़रूर अपनाएंगे, जहाँ पे नीम के छाल को घिसकर लगाने से घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नीम की छाल को घिसकर लगाने से घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। इस घरेलू उपाय को जरूर अपनाइएगा और अपनी घमौरी को ठीक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।